अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हैं जी। कल आपने वो एक्टिविटी की थी जो मैंने आपको बताई थी, आपने घर में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, फिर सबको एक दूसरे के सिर्फ बताई थी। मज़ा आया था ना? हाँ, ये बड़े मज़े का गेम थे। मैंने भी घर जाके ये गेम खेला था। हाँ, सबको एक दूसरे के सिर्फ बता रही थी और सब मुझे मेरे सिर्फ बता रहे थे, और इस तरह से मुझे पता चल गया था कि किस चीज़ में या किस इंसान में, मेरे किस फ्रेंड में, किस बहन भाई में कौन कौन सी सिर्फ मौजूद है। ठीक है जी, अब करते हैं हम एक नया काम। आज क्या नया काम करते हैं? आज ये करते हैं कि अच्छा, हमने जो नात पढ़ी थी आज, उससे पहले हमारे पास जो सबक चल रहा है उसका नाम क्या था? पैगाम आ गया जी, पैगाम आ गया। जो हमने नात पढ़ी थी वो बहुत अच्छी नात थी ना, है ना? उसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया था, किस चीज़ का जिक्र था उसमें? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम थे, है ना? और क्या क्या चीज़ें थी? अगर मुझे अपने किसी दोस्त को बताना पड़े कि वो नात क्या थी, वो क्यों, उसको क्यों लिखा गया था, उसके पीछे क्या वाकया था, तो मैं कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मेरी मदद करेंगे? मैं ज़रा सा भूल गई हूँ। ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा वाकया लिख लेते हैं, उसको बता देते हैं कि अगर मुझे अभी किसी दोस्त को बताना हो तो मैं उसे बता सकूं कि भाई हमने जो पैगाम आ गया नात पढ़ी थी उसका असल वाकया क्या था, उसमें हुआ क्या था, और कैसे जो है अल्लाह ताला जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही भेजते थे और उन पे जो है वो किस तरह से पैगाम आया करते थे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करें? पहले एक छोटा सा हम दिमाग सूजी कर लेते हैं, पहले एक वेब बनाते हैं हम, कि हम सोचें कि हमने कौन कौन से जो हमारे मखसूस ख़ास वाक़े इसमें हुए हैं, चीज़ें यूज़ की गई हैं, नाम यूज़ की गए, उनको पहले हम एक अपने फ्रेम में ले आते हैं और उसके बाद उन अल्फाजों को मिला के हम अपना वाक़या तरतीब देंगे। ठीक है जी, चले जी, हमारे पास पहले क्या चीज़ मौजूद है? हमारे पास मौजूद है नात, नात जी। इस नात में अब और क्या चीज़ मौजूद थी? हमें बेसिक इसका पैगाम क्या था, इसमें क्या चीज़ मौजूद थी? पैगाम, 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 यानी कि हम अगर ये वाकया लिखेंगे तो उसमें पैगाम को डिस्कस करेंगे। और पैगाम को क्या कहते हैं? वही, वही, वही जी, वही। हम वही के बारे में बताएंगे। वही लिखे कौन आते थे? यस, वेरी गुड, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यानी कि हम इस नात में जब हम स्टार्ट करेंगे अपना वाकया तो हम पैगाम के बारे में बताएंगे, वही के बारे में बताएंगे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसका पैगाम लेके आते थे? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास मौजूद हैं, किसके पास लेके आते थे भैया? यस, वेरी गुड, लेके आते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो पैगाम आता था, वेरी गुड। और बीच में क्या हुआ था जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे? परेशान, हाँ परेशान, वेरी गुड। ये भी हमने बताना है भाई, ये भी डिस्कस करना है। और कौन उनसे नाराज़ हो गया था? नाराज़, नाराज, नाराज जी, हमने नाराज को भी डिस्कस करना है। और कौन नाराज हुआ था जी? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। अरे भाई वाह, आप लोगों ने तो बड़ी मदद की मेरी, अब तो मैं आराम से वाकया लिख लूँगी पूरा। मुझे तो समझ में आ गया कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं, और जुमले बनाने के बाद मेरा वाकया आ जाएगा। अरे भाई वाह, ज़बरदस्त, यानी कि हम बहुत ही आसानी के साथ अपना वाकया तरतीब दे देंगे। ठीक है जी, चलें हम एक और दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। नात, पैगाम, वही, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला, नाराज़ और परेशान जी, वेरी गुड। और क्या उतरी थी फिर? कौन सी सूरत उतरी थी? नाम बताइए ज़रा, उसका नाम क्या था? सूरतु ज़ुहा, सूरतु ज़ुहा, सूरतु ज़ुहा जी।
अब आपने क्या करना है, यानी कि हमारे पास इतने अच्छे पॉइंट्स जमा हो गए हैं। अगर आपको कोई भी तहरीर लिखनी हो, कोई भी तख्लीकी लिखा, यानी कि ख़ुद से सोच के कुछ लिखना हो, तो आप इस तरह से एक वेब तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपको पता चले कि मैंने जो वाक़या लिखना है, जो कहानी लिखनी है, या कुछ भी लिखना है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसको मैंने डिस्कस करना है। इस तरह से मैंने सारे मेन पॉइंट्स निकाल लिए। अब मेरे लिए वाक़या लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगी, इन्हीं पे जुमले तरतीब करूंगी, सोचूंगी, और उसके बाद हम जो है इस पे वाक़या लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है और सोचना है, जस्तजू करनी है, डिस्कस करना है कि भाई इन अल्फाज पे हम क्या क्या जुमले बनाएं। ठीक है, उन जुमलों को हमने डिस्कस करके जुमले बनाने हैं, और फिर अपने टीचर को बताइएगा। जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आज हम जो है एक वाक्य लिखने वाले हैं जो कि हमने नात पढ़ी थी उससे मुताल्लिक है, और उसके लिए हमने आज कुछ लफ्ज़ निकाले थे। वो लफ्ज़ क्या हैं, आप उनको लफ्ज़ बताइएगा, और उसकी पिक्चर जो है अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर कल क्या करेंगे हम, कल हम ये करेंगे कि इन्हीं लफ्ज़ों से जुमले बनाना सीखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वाक़या तैयार हो जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू।